हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री कृष्ण। आज के ब्लॉग की तो शुरुआत हो रही है नीचे से। अभी मैं कॉलेज से आ ही रहा हूँ और यहाँ पे तो दादी लोग भी मस्त भजन गा रहे हैं, तो पहले आपको दादी लोग का भजन सुनाता हूँ। इधर उधर घूमते हैं और आज तो मम्मी के बर्थडे भी है। तो गाइस, कैसे लगे आपको दादी लोग के भजन, वो कमेंट में बता देना। बाकी अभी तो मैं इधर उधर थोड़ी देर घूमता हूँ। मतलब ऐसे थोड़ी गर्मी लग रही थी, तो यहाँ पे ऐसे 5-10 मिनट खड़े रहते और फिर घर पे चलते हैं। तो मम्मी ने क्या बनाया है डिनर में वो भी देखना पड़ेगा, और मेरे को तो पता नहीं है। तो चलो अभी ऊपर ही चलता हूँ, टाइम पास क्या ही करना है। तो अभी ऊपर जाते हैं और फिर आगे आगे ब्लॉग को मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाइस, घर पे तो मैं कब का आ गया था, और यहाँ पे मम्मी और आंटी दोनों काम कर रहे हो। और आज तो मम्मी का बर्थडे है, तो मम्मी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, वेलकम। वैसे तो सुबह में मम्मी मेरे को उठाना तभी विश कर दिया था, लेकिन अभी फिर से व्लॉग शुरू किया तो मैंने सोचा फिर से कर दूं। बराबर ना? बराबर। और आज शाम को पार्टी में क्या है? धनिया की भाजी और बाजरी की रोटी, वो भी का संभारा। ये तो पूरा मतलब अलग ही है। वो मेथी की भाजी सुनी है, तांजलिया की सुनी है, वासे टिक्की सुनी है, लेकिन ये क्या बोलते हैं धनिया की, अब नए लाए कुछ। आंटी देखो कुछ अलग ही उनका तो सीन चल रहा है। क्या कर रहे हो आंटी? ऐसे क्या बोलते हो, पेपर कैसे टुकड़े कर रहे होते ना, वैसे टुकड़े कर रहे है। देखो देखो देखो, ऐसे नहीं करते, बराबर ऐसे कट करो। वो क्या बोलते हैं, नाइफ लेके हैं। एक तो आप रिप्लाई नहीं देते हो ना, उसमें मेरे को होता है ऐसा चीड़ आती है कि ऐसा घसका डालूं आंटी को, ऐसा मन होता है कि कुछ बोलते नहीं। ही नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे अकेला बोल रहा हूँ और आंटी कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे। मैं ऐसे क्या बोलते, 1-2 सेकंड वेट करता हूँ कि अभी रिप्लाई देंगे, अभी देंगे। ऐसे सामने भी देखता हूँ लेकिन कुछ बोलते ही नहीं है, क्या करूँ। आप कुछ बताओ कुछ कमेंट में कि आंटी को कैसे बुलवाऊँ मैं। मतलब बोलते हैं तब ऐसे बराबर बोलते हैं, और जब नहीं बोलते ना तब ऐसे घसकाने का मन हो जाता है। तो चलो अभी मैं तो नवरा हो गया हूँ, तो टीवी देखेंगे। अरे टीवी भी नहीं देख सकते। आंटी कब ठीक करने आएंगे वो? हाँ कल आएंगे, बराबर। अभी पहले तो ठीक, वो क्या बोलते, रुको ना 2 मिनट, पण खर 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 चौपर से पनवेल जाना है भाई। पनवेल कल जाना है, आज नहीं जाना है। तो क्या अभी फिर से बिगड़ गया? मतलब इस बार बैकलाइट नहीं गई है, डिस्प्ले ही चली गई। मतलब कुछ बिगड़ गया तो पूरा ऐसा वाइब्रेट करता है। वो बोल रहा है नया ले लो। हाँ वो बात भी है, लेकिन आप ज्यादा सपोर्ट दिखाओ तो हम लोग तुरंत नया ले लेंगे, बराबर ना आंटी? हाँ तो बोलो। हाँ। खाली करके खत्म। अभी मैं फिर से वही पॉइंट पे आ रहा हूँ कि डिनर में क्या बनाने वाले हो वो बताओ। डिनर में डिनर ठीक है, देखते हैं। अब डिनर के टाइम बनाएंगे तो सही, तब मैं घर पे ही होऊंगा तो आपको दिखा दूंगा। तो गए शाम के बज रहे 7:15 बाकी है, और यहाँ पे आंटी की डाइटिंग चल रही है। और आंटी क्या खा रहे है? रवा उत्तपम। आंटी बराबर ऐसा दिखाओ, ऐसे नहीं चलता, ऐसे खोलो। ये देखो आंटी की डाइटिंग ऐसी चलती है, अंदर चीज डाल के खा रहे। और मेरे को बोलते वीडियो मत बनाना वरना मैं डिलीट मरवा दे दूं। अभी इसको नहीं चखना था ना, इसको बास आ रही थी ना, डिलीट ही मरवा दूंगी। हैं वो तो मैं मारूंगा ही नहीं, डाल के ही रहूंगा। तो गाइस अभी शाम के बज रहे 7:10, और यहाँ पे मम्मी और आंटी दोनों लगे पड़े हैं कुछ बनाने के लिए। क्या बना रहे हो मम्मी, अब बता दो। आलू परांठे। और मैं बहुत ही ज्यादा पास हो आ गया, पूरे फ्रेम में आपका मुंह आ गया। ये है आलू पराठे का मसाला। आंटी ऐसे कोने में क्यों रख दिया है? बस कोई देखना देना ऐसा। यहाँ पे बन भी रहे और यहाँ पे आंटी मसाला भरते जा रहे, मम्मी यहाँ पे बेलते जा रहे, बराबर ना? बरोबर।
बराबर है ना। हाँ अभी मैं खाते जाऊंगा क्योंकि अब मेरे को लगी है भूख, क्योंकि मैंने सुबह में खाया होता है फिर कुछ खाया ही नहीं होता है ना, बराबर ना। बराबर, सुबह 8 बजे खा लेता हूँ फिर खाता ही नहीं हूँ बराबर ना। सुबह पतला हो जाए। आप ऐसे डाइटिंग कर रहे हो, मैं वैसे कर रहा हूँ ऐसे। हाँ मैं तो कुछ खा के नहीं कर रही। मैं डाइटिंग कर ही नहीं रहा हूँ, ये तो बस ऐसे कहने का कुछ दो शब्द मिल जाए ना ऐसा। फ्रूट और भात। आंटी अब बन गए पहाड़ी पुल। आंटी को है ना वीडियो देख देख के पहाड़ी बनने का शौक हो रहा था तो डाइट मास्टर ने बना ही दिया। और पापा हेलो। हेलो, क्या आपको आलू परोठा पसंद है? बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। चलो अभी मैं तो खाने के लिए बैठ जाता हूँ। ये आ गया मसाला, पूरे में से लगा दिया। तो ये जाएगा अब चीज। आंटी आपको मन हो रहा होगा ना? नहीं हो रहा है? क्या बात है, थोड़ा सा वो खा लिया। चीज वाला ही खा लिया तो फिर कहाँ से मन होगा? कहाँ से चीज, मैंने दिखाया था, झूठ मत बोलो। उसमें आता तो तुम लोगों को खिला दिया। हाँ वो बात भी है, लेकिन फिर भी उतने से मन भर गया होगा। मन भर गया। देखो मस्त चीज वाले, अब इसके ऊपर ये रोटी ढक देंगे और फिर सेक देंगे, काम खत्म। थोड़ा सा खाते तो भी मन भरता। तो गाइस अभी ये आलू पराठे तो रेडी हो गए, तो अभी मैं खाने के लिए बैठ जाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।